ओम शांति तो आज आपको समाचार सेवा करनी सुनाएंगे परंतु अपने जीवन का अनुभव मैं बचपन से ही ज्ञान में हूँ ऐसे तो हम लोग दिल्ली से हैं रजौरी गार्डन से तो हमारी मदर ज्ञान में चलते थे अभी तो वो नहीं हैं तो उनके जीवन का प्रभाव मेरे ऊपर भी पड़ा परंतु पहले उससे पहले थोड़ी अच्छी कहानी जब मेरे शरीर का जन्म हुआ तो हमारी मदर बताते हैं उनका एक गुरु था तो हमारे लोग घर में लड़कियाँ नहीं थीं लड़के थे सब तो जब मैं पैदा हुई तो उनको बहुत खुशी हुई कि हमारे घर में लड़की आई तो मेरी मदर इतनी खुश तो अपने गुरु के पास लेके गई तो उसकी जो गुरु थी लेडी गुरु थी तो उसने मेरा चेहरा देखा तो कहा इसका माथा बहुत चमकता है ये भगवान की बच्ची है भगवान के कार्य में ये सहयोगी बनेगी ये भगवान के कार्य के लिए आई है तो हमारी मदर को वो बात अच्छी लगी कि इसका भविष्य भगवान तो इसलिए जब वो हमारी मदर ज्ञान में चली क्यों चली हमारी मदर ज्ञान में क्योंकि उसको हम पांच भाई बहन थे तो उसको गुस्सा आता था तो हमारे जो आंटी थी उसने देखा इसको गुस्सा आता है और अच्छा नहीं है ये गुस्सा तो उसने कहा मेडिटेशन सीखो कंट्रोल करो तो हमारी मदर ने कहा ठीक है सीखती हूँ तो उसने सीखा तो जब मैंने देखा तो उसका चेहरा भी चमक रहा है योग से इतनी शांत उसका वृत्ति इतनी शांति वाली गुस्सा ख़त्म हो गया उसके अंदर मैं आठ साल की थी तो फिर मेरे ऊपर भी प्रभाव पड़ा तो मैंने कहा आप कहाँ जाते हो कहा योग मेडिटेशन सीख रही हूँ हम लोग छोटे थे मेडिटेशन योग बहुत तो अच्छा लगता था यह शब्द तो हमने कहा हम सीख सकते हैं बच्चे भी कहाँ तो हम लोग फिर रोज़ स्कूल के बाद जाते थे सीखने सुदेश दीदी है ना जर्मनी वाले उस समय वो सेंटर पे रहते थे और वो हमारे टीचर थे तो फिर हम लोग आठ साल से चालू किया सेवन डेज कोर्स तो सेंटर पर जा कर के हमने कोर्स सीखा तो ऐसे करके हमारे लौकिक में तीस पैंतीस लोग उस समय ज्ञान में आ गए जो भी रिश्तेदार होते हैं एक दूसरे को ले आते हैं तो फादर नहीं हैं ज्ञान में नहीं चलते थे लेकिन अच्छे भगत आत्मा थी तो उसने सहयोग दिया भाई एक विवेकानंद को मानता है उसने भी सहयोग दिया एक है देवियों को मानता है भक्ति में उसने भी सहयोग दिया किसी ने विरोध नहीं किया उनको अच्छा लगता था इनका जीवन अच्छा है पवित्र है परिवर्तन हो रहा है तो इस प्रकार से उन सभी ने हमको सहयोग दिया तो जब मैंने स्टडी पूरी की कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से फिर हमको भविष्य तय करना था और स्टडी करूं या ज्ञान में सेंटर पर रहूं तो मैं फॉर्म भर रही थी आगे की स्टडी का तो सुदेश दीदी ने कहा नहीं नहीं मास्टर ऑफ आत्मा बनो यही बाबा के घर रह कर के सेवा करो तो उसने इंस्पायर किया लेकिन उसके पहले हम लोगों को हर वीकेंड्स में शनिवार इतवार हम सेंटर पर जाके रहते थे और हमको ट्रेनिंग दी जाती थी तो फिर हम लोग रहने लगे सेंटर पर तो रुकुनी दादी है ना तो उन्होंने हमको कहा आप ऑफिशियल ट्रेनिंग लो तो अपना जो दिल्ली का पांडव भवन का सेंटर है ना तो वो नया नया एक बिल्डिंग ली थी तो आशा दीदी हमारे ट्रेनिंग टीचर थे ब्रिजमोहन भाई साहब जगदीश भाई साहब गुलजार दादी सीतू दादी ये सब हमारे टीचर थे उस समय बयालीस कुमारियाँ सारे इंडिया से आए थे उनको ट्रेनिंग दी गई कि सेंटर पर कैसे रहना होता है तो इस प्रकार से वहाँ पर एक महीना हम रहे थे तो ट्रेनिंग लेके फिर हम मधुबन गए थे तो मधुबन में दीदी मनमोहिनी हमारे दिल्ली की इंचार्ज थी तो हम वहाँ गए वहाँ पर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग तो वहाँ पर ढाई महीने तीन महीने रही होंगी मैं म्यूज़ियम जो है वहाँ भी रही थी तो दीदी मनमोहिनी ने कहा आप दिल्ली पांडव भवन जाओ तो फिर गुलजार दादी के साथ आशा दीदी के साथ हम लोग पांडा में चार साल रहे थे <coughs> तो इस प्रकार से चार साल हमने गुलजार दादी से बहुत कुछ सीखा कोर्स कैसे कराना है जब हम सेवन डेज कोर्स कराते थे दादी हर एक स्टूडेंट के साथ बैठती थी ना फीडबैक लेती थी दादी बताते थे तुम ऐसे ऐसे कराओ प्रैक्टिकल दादी ने ट्रेनिंग दी फिर साथ साथ में दादी हम लोगों को पालना करते थे रात की क्लासेस जैसे हम लोग यहाँ बैठ के करते हैं दादी कराते थे हम लोगों को क्लासेस तो दादी गुलजार की बहुत अच्छी पालना मिली मुझे तो साथ साथ में फिर चार साल रहना हुआ पांडव भवन दिल्ली उसके बाद फिर मैं गई थी लंदन तो लंदन में क्या है कि वहाँ पर एक नया घर लिया था उन्होंने दादी जानकी ने तो उनको टीचर की ज़रूरत थी जो सात दिन का को कोर्स करा सके तो उसने कहा था कि कोई आए टीचर इंडिया से तो दीदी मनमोहिनी ने मेरा नाम दिया और मुझे बोला आप जाओगी तो मैं उस समय 24-25 साल की थी कहाँ हाँ मैं जाऊँगी क्योंकि उस एज में हम एडजस्ट कर सकते हैं जहाँ भी जाते हैं ना नए नए जगह पर तो एडजस्ट कर सकते हैं तो उस समय सेवा शुरू हो रही थी इस्टेब्लिशमेंट का टाइम था स्थापना का टाइम था तो हमको भी चांस मिला तो फिर उसके पहले दीदी मनमोहिनी ने हमको मधुबन में रखा था फाइनल जो ट्रेनिंग होती है विदेश के लिए वो भी दी थी उन्होंने ट्रेनिंग्स काफ़ी मिली है मुझे क्योंकि विदेश में भेजते थे ना तो दीदी दादी हम लोगों को साथ रखते थे तो अच्छी तरह समझा के भेजते थे जैसे ट्रेन करके। तो फिर मैं गई थी लंदन लंदन में दादी जानकी हमको लेने आए एयरपोर्ट पे जयंती ड्राइव करके आए तो मेरे को वहाँ रखा सेंटर पर और दादी ने कहा कि तुम्हारा मेन एम है कि यहाँ पर बहुत स्टूडेंट आते हैं कोर्स कराओ सुबह आठ बजे से शाम को आठ बजे तक तो रोज़ मैं आठ लोगों को कोर्स कराती थी और कई बार ग्रुप्स भी होते थे तो इस प्रकार से मेरा रोल था ज़्यादा टीचिंग का लेकिन देखो दादी जानकी उस समय खाना बनाते थे खिलाते थे बहुत प्यार देते थे दादी और किचन में बैठ के कहती मैं फोर्स भरती हूँ तुम कोर्स कराओ तो इस प्रकार से मैं कोर्स कर तो उस समय के जो ना विद्यार्थी थे जो आते थे कोर्स करने वो सारे ही ब्राह्मण बन गए तो मैं तो देखो नई नई थी लेकिन दादी की पावर किचन से क्योंकि वहाँ जगह ही नहीं थी दादी बैठ जाती थी किचन में एक कुर्सी पर इतना योग लगाती थी दादी पावरफुल योग तो कहती मैं इंग्लिश तो नहीं बोलूँगी बोलोगी तुम मैं फोर्स करती हूँ तो उनकी वाइब्रेशन बहुत आत्माओं को जागृत किया तो दादी ने हमको इस ढंग से भी ट्रेनिंग दी एक बार ना वो थी एक स्पेनिश स्टूडेंट तो वो देखती थी कि दादी खाना बनाती है रोज़ तो उसने सोचा ये काम करने वाली होगी यहाँ तो दूसरे दिन देखा ये क्लास करा रही है कहा दादी मैंने समझा आप तो यहाँ काम करते हो आप तो बढ़िया क्लास करा रहे हो तो दादी ने उसको अर्थ बताया यहाँ हम कर्म योगी भी हैं ऑलराउंडर हैं सेवादारी भी हैं टीचर भी हैं हम कोई बॉस नहीं हैं हम सब बाबा की सेवा पर हैं तो इस प्रकार से उसका इतना दिल जीता वो भी टीचर बन गई फिर मेक्सिको में गई थी वो रहने के लिए तो दादी जा, दादी की जो ट्रेनिंग थी ना वो ऐसी थी क्योंकि इतना आसान नहीं है विदेश की सेवा क्योंकि उनके मन को उनके जो धर्म रहन सहन उनकी भाषा कल्चर जो एक जन्म का है उनके ऊपर इन्फ्लुएंस वहाँ से निकालना है और देवता घराने की याद दिलानी है और देवता के संस्कार जागृत करने हैं ब्राह्मण तो इसलिए वहाँ का वातावरण और पावरफुल अमृत वेला और साथ साथ में इतना अच्छा संग मैं कहती हूँ हम लोग जैसे सारा दिन ना ज्ञान योग की गंगा में बहाते थे दादी सारा दिन सुबह अमृत वेला पावरफुल कराती थी दादी फिर हम लोग सब मुरली में चले जाते थे मुरली के बाद भी दादी हम सबके साथ बैठ कर के ना ज्ञान योग की चर्चा फिर 10 बजे ज्ञान योग की चर्चा फिर 12 बजे लंच के टाइम भी दादी के साथ ज्ञान योग की चर्चा तो सारा दिन हम लोगों की जो पालना थी ना वो ज्ञान योग ज्ञान योग ज्ञान योगी था कोई फालतू की बातें नहीं इधर उधर बैठना नहीं एकदम जो हम लोगों को ये ट्रेनिंग मिली ना ज्ञान योग की बहुत अच्छी थी रात को भी हम लोग दादी से ना प्रश्न पूछते थे क्योंकि अंग्रेज भी रहते थे ना हमारे साथ वॉडी थी अमेरिका की वो भी रहती थी तो वो भी रात को दादी को ना प्रश्न दे देती थी भाई भाई की दृष्टि क्या होती है हमको सिंपल आंसर नहीं चाहिए हमको बहुत डीप आंसर चाहिए तो फिर दादी है ना वो सारी रात सोती नहीं थी फिर वो विचार सागर मंथन करके अनुभव करके फिर उसका उत्तर जो हट करके है जो डिफरेंट है ऐसा उसको उत्तर देती थी वो भी समझे कि भगवान का ज्ञान कैसे सुख देने वाला है और कैसे विशाल है तो क्योंकि अंग्रेज़ लोग हैं और उनको चाहिए जो सत्यता एकदम क्लिक हो जाए जैसे नहीं अराउंड द बुश नहीं जा सकते उनके सीधा और स्ट्रेट फॉरवर्ड अनुभव वाला उत्तर तो दादी जो है ना उस समय ऐसा हम लोगों को अनुभव कराती थी और साथ साथ में बड़ी इकोनॉमिकल थी दादी हम लोग जब खाना खाते थे रात को दादी मेक श्योर करती थी कि जो खाना है वेस्ट नहीं जाए एक दाना भी वेस्ट नहीं करने देती थी जो दिन लंच का बचा हुआ खाना है पहले दादी कहती है पूरा करो फिर आपको नया मिलेगा तो दादी से हमने ये भी सीखा कैसे इकोनॉमिकल बनना है वेस्ट कुछ नहीं करना है और अथक सेवा हमने दादी से ही सीखी तो रात को 11 बजे तक दादी जागते थे और सेवा करते थे और अलग अलग जगह पर मतलब जैसे एक होते है ना हड्डी सुख देना ऐसे है ऊपर ऊपर से एक ज्ञान दे देना एक है सबके दिलों को सुख देना हड्डी सुख देना तो वो दादी का जो है ना तरीका वो कहती हमको दादी बताती कि विश्व किशोर भाव ने समझाया था ये कि इतनी हड्डी सेवा करो इतना प्यार आत्मा को दो इतना सुख दो कि वो आत्मा बार बार आती रहे तो ये दादी से हम लोगों ने सीखा था दादी जानकी से दादी जानकी काफ़ी ट्रैवलिंग करती थी आप सभी को पता है तो दादी हम लोगों को छोड़ के चली जाती थी जा के अकेली अकेली ट्रैवलिंग करती थी एक बार मेरे को न्यूजीलैंड भेज दिया दादी ने न्यूयॉर्क भेजा तो न्यूयॉर्क वाला जो मेरा अनुभव है ना वो इतना आसान नहीं है न्यूयॉर्क में क्या था कि फास्ट लाइफ है और थोड़ा भी हमने कुछ जो जैसे बोलना चाहिए ऐसे नहीं बोला तो फेल तो इसलिए वहाँ पर सेंसिटिविटी बहुत थी है ना तो इसलिए बहुत समझ कर के बोलना वो सोच करके बोलना बहुत तरीके से बोलना ये सब हमने वहाँ सीखा खाना बनाना भी वहाँ सीखा हमने मोहिनी दीदी हमारी टीचर थे है ना उसने सिखाया हम लोगों को और साथ साथ में वहाँ की जो सेवा थी कि आपको लेक्चर करना है इंग्लिश में डॉक्टर्स के सामने नर्सिस के सामने तो दो महीने पहले ट्रेनिंग देते थे हम लोगों को कि कैसे लेक्चर बनाना है फिर मोहिनी दीदी चेक करती थी फिर भेजती थी तो वो ट्रेनिंग हम लोगों को उन्होंने दी वहाँ पर और साथ में मैंने देखा कि वहाँ पर हम लोग रहते थे एक बहुत सिंपल सी जगह थी तो एक अंकल स्टीव थे ना उनकी लड़की थी और वो करती थी है ना स्टडी करती थी तो उनके स्पॉन्सरशिप से हम लोग सेंटर चलाते थे तो वो मदद करते थे क्योंकि पहला पहला सेंटर खुला था वो तो इस प्रकार से इकोनॉमिकल भी था तो मोहिनी बहन तो दिल्ली से थे तो उन्होंने भी पहले पहली बार वो भी आए तो हम मैं और मोहिनी बहन हम दोनों मिलकर के सेवा करते थे तो न्यूयॉर्क के बाद मैंने मेरे को ऐसे रियलाइज़ हुआ एक दिन कि मेरे को अपने अंदर कुछ और परिवर्तन करना है क्योंकि मैं ब्राह्मण तो बन गई चलो वाइट कपड़े पहन लिए बैज पहन लिया है ना कभी ऐसे जीवन में ऐसी स्थिति आती है कि परिवर्तन रुक जाता है ऊपर से परिवर्तन नज़र आता है हम शूद्र थे ब्राह्मण बने वो मोटा परिवर्तन तो नज़र आता है लेकिन ये जो अंदर का वृत्ति का परिवर्तन जो हमारी सोच का परिवर्तन स्मृति का परिवर्तन बहुत अंदर का परिवर्तन क्योंकि इतनी अलग अलग प्रकार की आत्माओं के साथ रहना और जब रहते हैं तो उनका प्रभाव मेरे ऊपर ना पड़े तो वो डेप्थ वो मैंने वहाँ पर कैसे देखो बाबा मदद करता है वो मैंने बाबा की मुरली से सीखी तो एक बार बहुत प्रेशर था मेरे को बहुत प्रेशर बहुत कुछ सीखना होता है नया देश नया एक्सपोजर नया कल्चर सब कुछ नया था तो मैंने कहा कि बाबा मेरे को क्या हो गया है कि इतना प्रेशर लग रहा है सीख नहीं पा रही हूँ कुछ तो ऐसे ही बाबा ने प्रेरणा दी मुरली पढ़ो तो मैं रात को मुरली पढ़ती थी बाबा की सिक्सटी नाइन की मुरली तो उसमें एक मुरली अभी तक मुझे याद है इसमें बाबा ने कहा जब हम ज्ञान में आते हैं बच्चे तो मोटा परिवर्तन तो देख लेते हैं बाहर का परंतु चलते चलते जो सूक्ष्म का परिवर्तन अंदर का है हाँ जैसे बाहर के प्रिंसिपल मैं फॉलो कर रही हूँ लेकिन अंदर का परिवर्तन जो है वो नहीं हो रहा है तो वो अंदर का परिवर्तन है मेरी स्मृति वृत्ति उसका परिवर्तन उस मुरली ने ना जैसे जैसे कोई कहते हैं ना डूब रहा हो तो किसी को सहारा मिल जाता है तो ये बाबा की मुरली ने मुझे बहुत अंडरस्टैंडिंग दी अपनी लाइफ के बारे में <clears throat> तो मैंने देखा कि बाबा की मुरली ही जीवन को बदलने का आधार रही मुश्किलात के टाइम जहाँ पर काफ़ी प्रेशर लगता हो फास्ट स्पीड ऑफ लाइफ हो कल्चर डिफरेंट हो भाषा भी अलग हो तो मेरे को लगता है कि बाबा की मुरली ही मेरे जीवन का परिवर्तन का एक सहारा रही फिर उसके बाद मैं आ गई थी इंडिया तो मैं इंडिया आई तो दादी कुमार का ने कहा अभी छः महीने रेस्ट करो फिर जाओ ऑस्ट्रेलिया तो फिर मेरे को ऑस्ट्रेलिया भेजा तो ऑस्ट्रेलिया में क्या है पंद्रह साल जैसे अमेरिका पंद्रह साल आ गया है तो वो पंद्रह साल पीछे है समझ रहे हैं ना पंद्रह साल पीछे मीन स्लो उनकी जो लाइफ स्टाइल है बड़ी स्लो है बहुत बड़ा देश है जगह लोग कम हैं समुद्र हैं बीच हैं तो लोग बहुत लाइट हैं खुशी मनाते हैं कोई ज़बरदस्ती नहीं लगता है उनको कि जीवन को चलाने के लिए काम करना है तो वो धीरे धीरे वाली लाइफ है तो वहाँ फास्ट लाइफ थी यहाँ धीरे तो यहाँ पर भी मैंने देखा कि जो हमारे भाई बहन थे ऑस्ट्रेलिया के उनको योग बहुत पसंद था तो हर वीकेंड्स हम लोग भट्टियाँ करते थे छः छः घंटे भट्टी सारी रात भट्टी मैंने कहा ये विदेशी लोगों को योग कितना पसंद है बैठे रहते हैं बाबा की याद में इतना पसंद था उनको योग तो मैंने देखा वो जो योग की शक्ति जो भट्टियाँ वो भी मैंने उनसे फ़ायदा लिया ऑस्ट्रेलिया वालों से क्योंकि उस समय कोई टीचर थे नहीं उनके पास दीदी भी बाद में आए थे निर्मला दीदी तो हमको भेजा था छः महीने के लिए वहाँ पर तो उनके साथ मिल कर के मैंने भी ऑस्ट्रेलिया में योग भट्टियों से काफ़ी सुख लिया फिर उसके बाद दादी जानकी ने कहा देखो अभी आपको अनुभव हो गया अभी न्यूजीलैंड जाओ तो न्यूज़ीलैंड में गई न्यूजीलैंड में ना एक इंडियन युगल है तो उन्होंने एक मकान दिया था दादी ने कहा अभी अकेले रहो संभाल के दिखाओ मैंने कहा ठीक है तो दादी हम लोगों को चैलेंज करते थे तो फिर वहाँ पर भी ठीक हो गया मुझे याद है दादी एक दिन लंदन से आई तो 40 घंटे का ट्रिप करके आई रात को पहुंची 12 बजे लंदन से तो मैंने कहा दादी आपका कैसा रहा ट्रिप कहती है देखो इकोनॉमी क्लास में आई हूँ यहाँ भी कोई लोग दूसरे दूसरा खाना खा रहे थे इस तरफ कोई बैठे थे कुछ पी रहे थे मैं तो कहती है बाबा की याद में रह रह करके डिटैच होकर न्यारा होकर सो गई जब आ गया न्यूजीलैंड उतर गई मतलब दादी को इतनी ताकत है कैसे अपने को डिटैच करना नहीं तो कहती है वातावरण तो ऐसा था तो इसलिए मैंने हमने ये भी सीखा दादी से दा क्योंकि दादी भी इकोनॉमी में अकेले ट्रैवल करती थी दादी उस समय तो दादी आती थी ना हम लोगों के पास तो सब देखती थी तो फिर हम लोगों को मार्क्स देती थी कि आप पास हो या नहीं पास हो फेल हो कितने मार्क्स हैं तो दादी सब चेक करती थी हम लोगों का आकर के हमको आगे बढ़ाने के लिए उत्साह भी देती थी तो उधर भी मैं रही थी दो साल फिर दादी ने कहा आपको तो अच्छा कॉन्फिडेंस हो गया है अभी आपको ऐसी जगह भेजना है ना भाषा आती हो और ना कोई कनेक्शन हो वहाँ जाके प्रूफ प्रूव करके दिखाओ तो मैंने कहा दादी ठीक है वहाँ भी जाऊँगी तो फिर मैं गई जापान ये देखो जापान की कहानी मैं पहुँच गई एयरपोर्ट एयरपोर्ट पहुंची कोई आया ही नहीं लेने तो कोई नहीं आया तो मैंने कहा बाबा ना मुझे भाषा आती है क्या करना है यहाँ पर रात का टाइम है तो फिर पाँच मिनट के बाद एक जापानीज व्यक्ति एक कार्ड लेके वेलकम सिस्टर रजनी मैंने कहा तुम कौन हो भाई मेरा इंग्लिश में पूछा वो जापानी बोलता जाए मैंने कहा कहते तुम पीछे पीछे आओ मैंने कहा कहाँ जाना है कहते तो बस में बैठो मैंने उसको पूछा मैंने कहा कारण बताओ कहाँ जा रही है बस मैंने कहा पैसे भी नहीं है मेरे पास तुड़वाने पड़ेंगे तो उसने कहा का ऐसा है एक अमेरिकन भाई है आपका बीके उसको आना था वो आया नहीं उसने आपकी वेलकम सर्विस अरेंज कर दी है तो मैंने सोचा कि ये तो ठीक है फिर फ्री करते हैं वहाँ पर सर्विस क्योंकि वो नहीं आ सकता तो उसने अरेंज कर दी तो वो भाई ने बिठा दिया मुझे बस पे मैं पहुंच गई तो अभी पहुंच गई तो अभी भाषा बस दूसरे तीसरे दिन मैं चली गई वो कोई सेवा पर आ, एक बहन थी शिजको लंदन से आई थी जापानीज बहन दादी ने कहा इनके साथ रहो तो मैं एक शब्द सीखी थी इक्की इक्की का मतलब है जाना इक्की तो मैं, मैं हम लोग गए कोई वीआईपी सेवा पर तो बाय चांस वो उतर गई ट्रेन से मैं रह गई पीछे ट्रेन में तो मैं भी ऐसे स्टेशन पर पहुंच गई जहां पर हज़ारों लोग आ रहे हैं जंक्शन होता है ना जा रहे हैं आ रहे हैं मैं खड़ी रही मैंने कहा वो बहन तो चली गई लेकिन मैंने कहा भी मुझे घर जाना है वापस कैसे जाऊंगी अभी तो, तो कुछ ही दिन हुए आए और मुझे आइडिया भी नहीं है ट्रेन का अभी तक कैसे चलता है क्या होता है तो मैंने कहा बाबा वो क्या करना चाहिए तो मैंने कहा ठीक है एक शब्द तो जानती हूँ मैं इकी <laughs> तो फिर मैंने कहा मैं बैठ गई ट्रेन में मैंने ट्रेन में जो लोग बैठे थे मैंने कहा ये जो ट्रेन है हमारे ना जो सेंटर था ना वो उसको कहते हैं किची जोजी तो मैंने कहा किची जोजी इकी तो वो आधा समझे आधा ना समझे क्योंकि पूरा नहीं बोल सकती ना अभी तक एक ही शब्द है बार बार मैं उनको यही बोलूं तो मैंने कहा किचि जो जी इक्की तो मतलब मेरे भाव को समझने लगे कि जाना है किचि जो जी जाएगी ये ट्रेन तो वो एक भाई ने ना आ, समझ लिया वो कहते तुम तो मेरे साथ साथ चलो वो भाई मेरे को सेंटर तक पहुंचा के आ गया वैसे मदद तो करते हैं वहाँ पर कुछ भी बोलो है ना क्योंकि उसने समझ लिया इसको पता नहीं चल रहा क्या करना है तो बाबा ने भी उसको टच कर दिया तो उसने मेरे को मदद कर दी और ऐसे लटकाते नहीं हैं वहाँ छोड़ते नहीं हैं इधर उधर कोई भाषा की बात है वो सोचते इनको नहीं आती है चलो हम मदद करें तो वो साथ साथ चलते हैं वो वहाँ तक छोड़ के आएंगे जहाँ तक आपको पहुँचना हो ताकि आप उसको दुआएं दो है ना ये मैंने देखा है वहाँ पर है तो क्योंकि भाषा के कारण तो इस प्रकार से वहाँ पर ये पहला पहला अनुभव हुआ फिर मैं गई कोबे में कोबे में दादा ये अपने संतरी दादी है ना उनके रिश्तेदार रहते हैं तो उन्होंने कहा कि आप आइए और अपना भाषण कीजिए मैंने कहा भाषण तो कर दूंगी, रहूंगी कहाँ कहाँ हमारा घर है आप रहना मैंने कहा ठीक है तो वहाँ पर फिर हमने सात दिन का कोर्स कराया लोगों को और ब्राह्मण बना दिए मैंने कहा दादी मैं जाऊँ वापिस कहती नहीं नहीं ब्राह्मण बन गए हैं अभी सेंटर खोलो दादी जान के हम लोगों को गाइड करती थी तो रात को पूछती थी कहाँ हो मैंने कहा दादी यहाँ हूँ अच्छा कितने ब्राह्मण बने हैं दादी पाँच बन गए हैं अभी मैं क्या करूँ अभी इनके द्वारा सेंटर खोलो दादी कैसे खोलना है इनसे पूछो तो हम लोगों को दादी ना मदद करती थी आधी रात को भी दादी कहती थी फ़ोन कर दो पूछो तो इस प्रकार से दादी गाइड करती गई कि सेंटर कैसे खोलने होते हैं तो फिर हम लोगों ने वहाँ पर भी सेंटर खोल दिया तो एक दिन क्या हुआ हम लोग भाषण कर लिया मैंने कहा अभी इतना पैसा खर्च करके आए हैं वापस कौन जाएगा अभी यहाँ तो सेवा करनी चाहिए तो मैंने अनाउंस कर दिया किसके घर में जगह हो तो बता दो तो उन्होंने कहा आ जाओ तो मैं एक के घर चली गई वो बाई चांस ब्रह्मा कुमारिस का जो पहले पहले था ना इम्प्रेशन कि ब्रह्मा कुमारी जादू करती हैं तो पहले दिन तो उसने हमको ठीक ठाक रखा अपने घर में दूसरे दिन तो वो आई नहीं अपने घर में तो मैं तो छोटी भी थी उस समय एज की तो मेरे को डाउट आने लगे मैंने कहा मैंने कुछ गलती तो नहीं की है इस घर में लेकिन क्यों नहीं आ रही है मकान मालिक सारा ही घर मेरे हाथ में दे चली गई दिन हो गया रात हो गई दूसरा दिन हो गया मैं खाना भी ना खाऊं मैंने कहा क्या करना चाहिए तो मैंने बाबा को याद करके सुबह सुबह मैं भी निकल गई वहाँ से तो मैं जब दोबारा गई उस शहर में मैंने सभी से पूछा मैंने कहा आप लोगों ने ऐसा व्यवहार क्यों किया मेरे साथ तो उन्होंने कहा ओ क्योंकि ब्रह्मा कुमारी जादू करते हैं किसी ने उसके मन में ये डाउट पैदा कर दिया और आप वहाँ रहते थे तो सोचा हमारे ऊपर जादू ना हो जाए तो वो खुद ही नहीं आई घर में मतलब तो पहले पहले था अब भी शायद कम है इंडिया में ये वाला कमेंट्स कम मिलता है जादू का पहले पहले था है ना पच्चीस तीस साल पहले तो फिर हमने वहाँ रह करके सभी के मन में ये क्लियर किया ज्ञान का जादू है कोई ऐसे कोई हो जाता है क्या जादू तो ज्ञान का जादू है तो इस प्रकार से कई कई ऐसे ऐसे टेस्ट आते थे हम लोगों के सामने जो पास्ट की बातें इम्प्रेशन सब क्लियर करना पड़ता था लेकिन मेन बात है कि बाबा मदद करता था तो एक बार हम लोग श्रीलंका से आए थे मधुबन दादी जानकी ने कहा बाबा को आप गले लगाओ अव्यक्त तो बाप दादा को भाकी पहनो। तो मैं बाबा को भाकी पहनी तो बाबा ने मुझे कहा तुमको मुश्किल लगता है ना जापान में मैंने कहा क्यों मैंने कहा भाषा ठीक हो जाएगा तो मैं जब वापस गई दोबारा तो एक युगल आया सेंटर पर उसने कहा हमको कोई प्रेरणा दे रहा है कि आपको यहाँ जापान में ना रहना है और सेवा करनी है और आपको भाषा सीखनी है और हमको पैसे देने हैं ये पैसा है मैंने कहा किसने बोला है आपको कहते प्रेरणा आ रही है मैंने कहा ठीक है बाबा ने काम कर दिया होगा अब एक बाप दादा कैसे सूक्ष्म रीति से वह उस समय तो इंटरनेट भी नहीं है टेलीफोन एस एम एस कुछ नहीं कैसे बाबा वाइब्रेशन भेज देते हैं आत्माओं को और वो आके खड़े हो जाते हैं अच्छा मैंने कहा पढ़ लूँगी फिर तो मैं फिर स्कूल गई पढ़ने के लिए तो कुछ नहीं एक जैसे आठ महीने का स्कूल होता है छः महीने का एक साल तो पढ़ लिया तो उससे फिर थोड़ा फ़ायदा हो जाता है ना बेसिक आ जाता है क्योंकि उसके बिना चलता ही नहीं काम इन देशों में तो जापान जैसे देश में जो सेवा है इजी भी है मुश्किल भी है क्योंकि वो लोग आपको देखते हैं परफेक्ट और यदि आपने थोड़ी गलती की मार्क्स कम करना शुरू कर देते हैं तो वेस्टर्न लोग होते हैं ना वो आप ठीक करो तो मार्क्स देते हैं आपने एक कर्म ठीक किया दस नंबर दे दो इसको जापानी लोग पहले सौ के रूप में देखेंगे आपको परफेक्ट थोड़ा सा गुस्सा किया और आप कहते हो आप राजयोग सिखा रहे हो आप गुस्सा कर रहे हो इसके नंबर काटो <laughs> वो अंदर ही अंदर नंबर काट लेते हैं वो इनका ऐसी है मेंटेलिटी तो इनको हमने समझा दादी ने कहा इनको समझो ये क्या है तो ये लोगों की जो सेवा धारणा से है जितनी हमारी धारणा है जो हम बोलते हैं सोचते हैं वो प्रैक्टिकल जीवन में है तो ये मानते हैं यदि हम बोल रहे हैं कर नहीं रहे हैं तो ये नहीं मानते ये मार्क्स खत्म कुछ कोई मदद नहीं करेंगे तो इसलिए प्रैक्टिकल हमारे जीवन में जो हम बोल रहे हैं वो दिखाई दे रहा है उनको तब जा कर के ये लोग ज्ञान में आते हैं तो मेरा ये अनुभव है इन लोगों के साथ काम करने में हैं तो अच्छे लोग ईमानदार हैं अथक हैं डिसिप्लिन हैं हार्डवर्किंग हैं साफ सुथरा देश है क्या है इनको कमी भौतिकता से तो ये इस ये देश तो भौतिकता से सब प्रकार के सिस्टम बना चुका है परंतु आध्यात्मिक रूप से तनाव है इनके जीवन में सुख नहीं है अंदर का क्योंकि इतने हाई स्टैंडर्ड लाइफ है उसको मेंटेन करने के लिए बड़ी मेहनत होती है तो इसीलिए इन लोगों को योग पसंद आता है ताकि वो बाबा को याद करें शांति में बैठें तनाव मुक्त का अनुभव करें ये हमने देखा है क्यों वो लोग योग सीखना चाहते हैं आंतरिक शांति और दूसरा हठ योग तो वहाँ बहुत पॉपुलर है सब भी हठ योगी हैं आप देखो सेंटर पे आएंगे वो कुर्सी पर नहीं बैठना पसंद करते वो व्रजासन होते ना वो उसी तरह से बैठते हैं वहाँ करके उनकी बैक स्ट्रेट रहती है और सर्कुलेशन ठीक रहे तो ये हठ योग में बहुत माहिर हैं सभी हठ योगा में हैं मोस्टली सभी तो हठ योग राज योग तो योग योग का कनेक्शन तो योग क्या है अब इनके संस्कारों में भगवान की याद नहीं है जैसे हिंदू क्रिश्चियंस मुस्लिम उनके हैं संस्कार अल्लाह गॉड खुदा ये बुद्ध बुद्धिस्ट में नहीं है भगवान का तो कर्म ही पूजा है आप करके दिखाओ कर्म ऐसे कर्मठ हैं सुस्ती तो देखी नहीं मैंने इनमें बिल्कुल भी और टीम वर्क है टीम वर्क बहुत अच्छा करते हैं लोग इसलिए ये लोग आगे बढ़े हैं टीम वर्क में अच्छे हैं और इनकी कंपनी में कोई बीमार हो जब बीमार हो तो भी काम करते रहो दूसरे व्यक्ति को भेज देंगे इनके घर में है ना किसी को दवाई दिलानी है क्या करनी है लेकिन छुट्टी नहीं लेते हैं लोग कभी भी अपने कारोबार से तो इस प्रकार से इनके जीवन में देशभक्ति भी है और राजयोग इसलिए ये सीखना चाहते हैं क्योंकि इनको शांति पारिवारिक प्यार पारिवारिक सुख और साथ साथ जो है वातावरण शुद्ध और चौथा है एक्सप्रेशन अपनी दिल को हल्का करने के लिए योग सीखते हैं शिव बाबा को याद करें ताकि दिल हल्का रहे क्योंकि इनके एक कल्चर में बहुत अच्छी बात है हारमनी हारमनी के कारण ये तू तू मैं मैं नहीं करते यदि आप सड़क पर हैं दो कार का टकराव हो गया इंडिया में तो लोग लड़ने लग जाते हैं ना तूने टक्कर मारी तूने टक्कर मारी है ना तो वहाँ पर वो क्या करते हैं अपनी कार से आते हैं झुकते हैं एक दूसरे के सामने माफ़ी मांगते हैं एक दूसरे से <coughs> कार्मिक अकाउंट क्लियर कर देते हैं पहले तो झुक करके आराम से आप अपना कार्ड दे दो मैं आपको अपना कार्ड दे देता हूँ बस जरा भी बोलते नहीं हैं लड़ाई नहीं करते <laughs> क्योंकि इनके जो कल्चर में ना हार्मनी बहुत ज़रूरी है हार्मनी रखना एकदम तू तू मैं मैं जरा भी आवाज़ से नहीं बोलना है तो इस प्रकार से अच्छा है कल्चर बहुत अच्छा है तो इस प्रकार से इतना वो नहीं है कि लड़ाई वगैरह करें या एक दूसरे के ऊपर ऐसे प्रकार से करें तो अच्छा है कल्चर बाय फोर्स हारमोनी में रहते ही हैं लेकिन दिल में क्या ब्रीतता है उसके लिए तो योग सीखना ही पड़े नहीं क्योंकि डिस्टरबेंस होती है या किसी के संस्कार नहीं मिलते हैं तो कैसे मन सोचता है उसके लिए तो क्लैरिफिकेशन चाहिए ज्ञान चाहिए तो वो ये सीखते हैं तो जापान की सेवा में हिरोशिमा में हमारा एक सेंटर है और फोक्यामा जहाँ बॉम्ब पड़ा था ना हिरोशिमा में वहाँ हम लोग आ, सेवा करते हैं तो अभी 22 अगस्त अगले आ, शनिवार को एक बड़ा प्रोग्राम रखा है वहाँ पर हॉल बुक किया है वहाँ पर लोग आ सकते हैं डिस्टेंस में बैठेंगे और लेक्चर रखा है छः महीने के लिए हमने बुक कर दी बुक कर दिया है तो वो हर महीने एक एक लेक्चर होता है वहाँ तो लोग आते हैं समझते हैं ज्ञान को बॉम पड़ा था लोगों को थोड़ा वो भी है वैराग्य भी है जहाँ बॉम पड़ा था लोग ज़्यादा मेडिटेशन सीखते हैं बहुत बड़ा गार्डन है वहाँ जहाँ म्यूज़ियम बना हुआ है जहाँ बॉम पड़ा था लोग अंदर जाते हैं ऐसे वैराग्य की स्थिति हो जाती है वो म्यूज़ियम में जाओ तो पहला स्टेप अंदर रखो ह बापरे ऐसे लगता है कि ये बॉम्ब तो कभी नहीं यूज़ करने चाहिए वो सारा वो बताते हैं क्या उसका इफ़ेक्ट पड़ा स्किन पर बालों पर ये है ना टिफ़न बॉक्स क्योंकि वो सुबह सुबह हुआ था जब बच्चे स्कूल जा रहे थे उनके हाथ में लंच बॉक्स था बाइसिकल था उस समय सब चीज़ें उन्होंने रखी हुई हैं क्या उसके ऊपर असर पड़ता है चमड़ी ऐसे पिघल रही है 300 लोग जब इतनी ना बॉम्ब की वो थी ना आग वो कैसे कूदते हैं नदी में तो एक बार आत्म प्रकाश भाई आए मधुबन में हम लोग ना नदी में वो बोट में थे तो बोट वाला कहते है, आप लोगों को पता है आप कहाँ बैठे हो कहाँ पर कहाँ से गुजर हमने कहा नहीं कहा यहाँ ही तो है 300 लोगों ने छलांग मारे मतलब इतना पिघला हुआ स्किन तो जो भी देखेंगे वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर ऑटोमेटिक लोगों को वैराग्य आता है जो बॉम्ब वाली जगह है मतलब ऑटोमेटिक ये आ जाता है कि इंसान को ये गलती दोबारा नहीं करनी चाहिए ये इतने तक इंसान सोचता है लेकिन ड्रामा की भावी उसके बाद अभी जो बॉम्ब्स बने हो तो ज़बरदस्त बॉम्ब्स हैं लेकिन उस समय तो एक ही सिंपल बम था जो नागासाकी और हिरोशिमा। लेकिन देखो शहर ये बना दिया लगता नहीं है वहाँ बम पड़ा था सब अप टू डेट आराम से रहते हैं लोग अच्छे लोग हैं मकान वगैरह सब फर्स्ट क्लास है लगता नहीं है कुछ हुआ है वहाँ पर लेकिन जो म्यूज़ियम बनाए तब तो जा अंदर जाओ तो वो सारे दिखाते हैं वीडियोस और वो कमरा दिखाते हैं जहाँ पर बॉम्ब पड़ा था क्या क्या उसका हाल हुआ था वो सब देख कर के अंदर से हम पाँच सौ लोग हैं उस, उस म्यूज़ियम में पाँच सौ लोग कोई बोलना ही नहीं चाहता इतना वैराग आ जाता है सब शांति में देखना चाहते हैं महसूस करते हैं फील करते हैं मतलब मैसेज तो अच्छा दे रहे हैं वो म्यूज़ियम वाले <laughs> तो वहाँ पर हम लोग हफ्ते में एक बार मेडिटेशन करते हैं शांति फैलाने तो जब म्यूज़ियम देख के बाहर आओ ना एक वो है पत्थर उस पर लिखा हुआ है हे hey इंसान दोबारा तुम ये भूल कभी नहीं करना और उसके सामने हम सबको नतमस्तक होना है हम तो मेडिटेशन करते हैं लोग प्रेयर करते हैं और कई लोग झुकते हैं कि हाँ ये हमारी गलती है भगवान से जैसे क्षमा मांगते हैं लेकिन उसके बाद भी देखो कितने बॉम्ब हैं है ना तो इस प्रकार से जापान क्यों मशहूर है क्योंकि इन्होंने जो बॉम्ब के टाइम ये नष्ट भ्रष्ट हो गया था देश तो उसके बाद इन्होंने 16 साल किसी को आने नहीं दिया अपने देश में तो 16 साल दिन रात दिन रात मेहनत करके इन्होंने अपने देश को उठा दिया तो इसलिए इनका नाम है क्योंकि कई देश ना बॉम्ब पड़े खाने को ना मिले कुछ रहा नहीं एक स्क्रैच से कुछ ना हो वहाँ से उठना मेहनत करके दिखा देना वर्ल्ड को कि हम कर सकते हैं इसलिए इनका नाम है तो इसलिए बाबा भी इनको याद करता है और बाबा ने कहा ना पहली सेवा भी कहाँ से शुरू हुई वहाँ से शांति का संदेश उन्होंने बुलाया था शांति के संदेश के लिए तो बुलाया था तो इस प्रकार से अभी भी कल ही भेजा है एक संदेश है ना वो हिरोशिमा जो 75 साल हो रहे हैं आज 18 अगस्त है ना हाँ आज तो आज वो प्ले कर रहे हैं हमारा वो प्रोग्राम क्योंकि 75 साल हो गए बम बॉम्ब पड़े तो जो हिरोशिमा की सिटी है शहर है गवर्नमेंट ऑफिस तो उन्होंने मैसेज मांगा है ब्रह्मा कुमारी से शांति का संदेश दे दो और हम सारे जापान को बताना चाहते हैं शांति क्या होती है कैसे तो जयंतीबहन यूनाइटेड नेशन को रिप्रेजेंट करती है ना जिनेवा में तो उससे मंगवाया अभी कल ही हमने भेजा क्योंकि आज सेलिब्रेशन है तो वो चला रहे हैं पचहत्तर साल मना रहे हैं वहाँ पर है कल।, कल हाँ कल है अठारह अगस्त तक हमको भेजना था और पचहत्तर साल की सेलिब्रेशंस हो रही हैं वहाँ पर तो वहाँ पर सबके संदेश इकट्ठे हुए हैं तो जयंती बहन का पहुँच गया वीडियो पहुँच गया है तो इस प्रकार से बाबा कहते हैं ना शांति तो कहाँ से मिलनी है है ना तो रियल बाबा का ज्ञान जैसे आ, देते हैं वहाँ पर अनुभव कराते हैं बुद्धा ने जो ज्ञान दिया वो है निर्वाणा तक तो वहाँ पर तीन देवियाँ हैं लक्ष्मी उसको कहते हैं बेंजी, बेंजी नहीं बेंजी, हाँ दूसरी एक है सरस्वती तीसरी है काली तीन देवियाँ हमारे भारत से गई हुई हैं जब द्वापर युग हुआ होगा ब्राह्मण ले गए होंगे ना मेमोरी, तो वहाँ जा कर के बना दी नाम बदल दिए लेकिन है लक्ष्मी और फिर है एक सितार वाली और एक ये तो और इनके जब हम मंदिर में जाते हैं ना यहाँ देवियाँ रखी होती हैं तो अच्छा लगता है भारत का कनेक्शन फिर एक इनके टेम्पल पर मैं गई मैंने कहा तुम्हारा क्या सिद्धांत है कहते गणेश मैंने कहा आपका क्या मतलब है गणेश से यहाँ पर कहते विघन विनाशक मैंने कहा आप तो जापानी हो कहते हाँ हम ये मंत्र गाते हैं रोज़ गणेश के विघन को विनाश करने के लिए तो उनका सारा कारोबार गणेश से चलता है अविगन विनाशक उसने ही समझाया तो गणेश की भी यादगार है वहाँ पर और अपना क्योंकि कनेक्शन है ना भारत और जापान का बुद्धिज़्म का क्योंकि बुद्धा भारत में इतना नहीं फैला जितना इन देशों में फैला था तो इसलिए वहाँ पर यादगार तो है ही और लोगों के कल्चर में क्या है कि कनेक्शन है भारत से और प्यार भी है भारत से और वो भारत वालों से ही योग सीखना चाहते हैं तो इसलिए ज़्यादातर वो लोग राज्यों घाटियों भारतवासियों से सीखते हैं तो इस प्रकार से बाबा की वहाँ पर सेवा है टोक्यो और बहुत बड़ा शहर है टोक्यो वो तो न्यूयॉर्क जैसा है और हिरोशिमा भी अच्छी सिटी है और एक कीतो है जो पहले पहले जापान के लोग बहुत शांति से रहते थे इतने सुंदर गार्डन हैं उनके मेडिटेटिव एकदम योग जैसे बैठते हैं बैठो ना योग लग जाए वो शांति वाले गार्डन बनाए हुए हैं वो सुंदर तो इनकी लाइफ स्टाइल पहले वही थी है ना योगी वाली शांति वाली भाग दौड़ वाली नहीं तो जो फैक्ट्रीज बनी कंपनीज बनी ना इंडस्ट्रीज बनी मैनेजमेंट सिस्टम बने वो टोक्यो है जहाँ ब्रेन है पॉलिटिकल पावर है पैसा है ना, है ना ब्रिजिस हैं बुलेट ट्रेन है फास्ट लाइफ है पता तो नहीं क्या भाग रहे हैं कुछ लेने के लिए वो वाली लाइफ और क्यों तो जाओ आराम से मंदिर हैं बैठो योग करो भगवान को याद करो बैलेंस लाइफ ये पहले थी ये कैपिटल थी बाद में ये बनी टोक्यो तो हम देख सकते हैं कंट्रास्ट तो इसलिए ज्ञान समझाना थोड़ा ईजी भी लगता है कि देखो पहले आपकी लाइफ यही थी जहाँ बैलेंस था कर्म योगी और ये कैसी लाइफ बना दे है ना तो इन दोनों का अंतर भी समझाते हैं तो बाबा की सेवा चलती है और मैं हर संडे वहाँ मुरली पढ़ती हूँ कल हमने जन्माष्टमी वहाँ बनाई थी टोक्यो में तीन जन्माष्टमी थी मेरी कल थी इंडियंस के साथ और जापानियों के साथ तो उनको थोड़ा अर्थ बताया प्योरिटी का क्रिश्चन के बारे में और जो 36 गुण है ना तो एक एक गुण सब ने लिया है वो लोग सारा रिसर्च करेंगे इस वीक फिर जो फील करेंगे अच्छाइयाँ वो आर्ट के रूप में तैयार करके रखेंगे नेक्स्ट संडे के लिए है ना तो इस प्रकार से एजुकेशनल तरीके से हम लोग उनको बताते हैं ओम शांति